नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बनाकर बिहार क्या भेजा। इधर उनके अपने ही राज्य महाराष्ट्र की बीजेपी में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मच गई। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से से बीजेपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हुए थे, तो जाते जाते ये दावा कर गए थे कि कई और बीजेपी नेता और विधायक बीजेपी छोड़ने वाले हैं। उनके इस बयान के बाद अब पार्टी की एक और नेता के एनसीपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये महिला नेता हैं गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी पंकजा मुंडे के एनसीपी में जाने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी में रहते हुए विरोधी दल एनसीपी के मुखिया शरद पवार की दिल खोलकर तारीफ की है। मंगलवार को एक ट्वीट कर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कहा, शरद पवार साहब को हैट्स ऑफ, कोरोना संक्रमण की परिस्थिति में इतने दौरे, आप में काम करने का स्टैमिना बहुत है। पंकजा मुंडे ने अपने पिता गोपीनाथ मुंडे का जिक्र करते हुए कहा, पार्टी विचार और राजनीति अलग अलग हैं, फिर भी काम करने वालों का आदर मुंडे जी ने हमेशा सिखाया है। पंकजा मुंडे ने शरद पवार की ये तारीफ कोरोना काल में उनकी ताबड़तोड़ दौरे को लेकर की है। दरअसल शरद पवार ने कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य के कई शहरों में जाकर हालात का जायजा लिया था और लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया था। ये वो समय था जब दूसरे नेता अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। पंकजा ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी इतने दौरे और इतनी सारी मीटिंग्स आपने की हैं जो वाकई में अद्भुत है। हालांकि पवार की तारीफ के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या कहीं पंकजा मुंडे भी एनसीपी में तो नहीं जाने वाली हैं। आपको बता दें, पंकजा मुंडे पुणे शहर में एक मीटिंग के लिए आई थी। ये मीटिंग गन्ना मजदूरों की हड़ताल के मुद्दे को लेकर वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई थी, जिसमें शरद पवार भी मौजूद थे। इस दौरान शरद पवार और पंकजा मुंडे के बीच में बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान पंकजा काफी खुश नजर आ रही थी। एनसीपी में है पंकजा के भाई धनंजय। पंकजा मुंडे के भाई धनंजय मुंडे पहले से ही शरद पवार की पार्टी में है। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। हालांकि जिस बैठक में पंकजा मुंडे ने शरद पवार की तारीफ की थी, उसी बैठक में धनंजय मुंडे भी मौजूद थे, इसलिए दोनों के बीच कुछ चर्चा भी हुई। बता दें, पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे के बच्चे हैं। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के बड़े नेता थे। साल 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो गोपीनाथ मुंडे को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई थी। हालांकि 3 जून 2014 को दिल्ली में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। सुबह एयरपोर्ट जाते समय एक चौराहे पर उनकी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें शॉक लगने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी।